दोस्तों ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। आखिर इस दुनिया में अचानक से ये क्या हो रहा है? इतनी बड़ी कोरोना वायरस की त्रासदी से आखिर किसका फायदा होगा? ये वीडियो को आप ध्यान से देखिए और सुनिए। ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके साथ अब तक किसी ने शेयर नहीं की होगी। आजकल दुनिया के हर कोने में कोरोना वायरस के चर्चे हो रहे हैं। आपने काफी वीडियो इंटरनेट पे इस टॉपिक पर देखी होगी, मगर हम आपको कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिनका जवाब आपको देना होगा। इनके जवाब कोरोना वायरस की सारी साजिश आपके सामने खोल कर रख देंगे। पहला सवाल, जहां पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है, वहीं चीन में वुहान के अलावा ये क्यों कहीं नहीं फैला? चीन की राजधानी आखिर इससे अछूती कैसे रह गई? इसे सामने वाले डॉक्टर और पत्रकार को खामोश क्यों किया गया? पत्रकार को तो गायब ही कर दिया गया। दुनिया के अन्य देशों ने जब सूचना साझा करने को कहा तो उसने सूचना साझा क्यों नहीं की, मना क्यों किया? अगला सवाल, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए कोई गाइडलाइन जारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मानव से मानव में नहीं फैलता। ऐसा ट्वीट 11 जनवरी तक WHO करता रहा। क्यों? आज साबित हो गया कि कोरोना मानव से मानव में फैलता है, तो फिर WHO ने झूठ क्यों बोला? वुहान से एक साथ 50 लाख लोगों को बिना मेडिकल जांच किए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्यों भेजा गया? इटली में 6 फरवरी तक मामूली केस था, फिर एक चीनी महिला ने ऐसा क्यों बोला कि हम चीनी हैं, वायरस नहीं, हमें गले लगाइए, जिसके बाद पूरी इटली में फैल गया। पूरी दुनिया आज चीन और WHO को संदेह की नजर से देख रही है, और ताज्जुब देखिए, एक ही दिन चीन और WHO दोनों भारत की तारीफ में उतर आए। क्या ये महज संयोग है? दोस्तों, हमने कुछ थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला ये जो कोरोना वायरस है ये चीन की एक सबसे बड़ी चाल हो सकती है। चीन ने सबसे पहले एक वायरस और उसकी दवा बनाई, फिर वायरस को पूरी दुनिया में फैलाया। अपनी दक्षता का प्रदर्शन करते हुए रातों रात अस्पतालों का निर्माण करवा लिया जो पहले से ही तैयार थे। ये सब उसे रणनीति का हिस्सा थे। चीन हमेशा अपने निजी मामलों को छुपाता रहा है, परंतु इन चीजों के फुटेज उसने पूरी दुनिया को दिखाए। परिणाम स्वरूप दुनिया में वायरस के साथ साथ अराजकता फैलने लगी, खासकर यूरोप में। दर्जनों देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, अन्य देशों के कारखानों में उत्पादन लाइनें बंद हो गई, फलस्वरूप शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट। चीन ने अपने देश में महामारी को जल्दी से नियंत्रित कर लिया, क्योंकि टीका तो उनके पास ही था। रातों रात वुहान से कोरोना के नए मरीज मिलना बंद ही हो गए। ये कैसे संभव है जबकि इटली जैसा विकसित देश इस स्थिति को संभाल नहीं पा रहा है? आखिरकार चीन पहले से ही तैयार था। परिणाम स्वरूप उन वस्तुओं की कीमत कम हो गई। चाइना जिन देशों से वो बड़े पैमाने पर तेल आदि खरीदता है, फिर सोने के रेट गिरते हैं और चाइना 100 टन सोना खरीदता है मार्केट से, फिर चीन तुरंत ही उत्पादन के लिए वापस जुट गया, जबकि दुनिया एक ठहराव पर है। लोग मर रहे हैं, भारत जैसे देशों में लॉकडाउन है, जहां एक और दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं चीन ने अपनी फैक्ट्रियों में काम शुरू करवा दिया है। चीन उन चीजों को खरीदने लगा जिनकी कीमत में भारी गिरावट हो गई है, और उनको बेचने लगा जिनकी कीमत में जबरदस्त इजाफा हुआ। अब यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो 1999 में चीनी उपनिवेशों क्याओ लियांग और वांग जियांग सुई के द्वारा लिखी गई पुस्तक अप्रतिबंधित युद्ध अमेरिका को नष्ट करने के लिए चीन का मास्टर प्लान को पढ़ लें। ये सब तथ्य वहां मौजूद है। जरा इस बारे में सोचिए, कैसे रूस और उत्तर कोरिया COVID-19 यानी कोरोना से पूरी तरह से मुक्त है? क्योंकि वो चीन के कट्टर सहयोगी है। इन दो देशों से एक भी मामले की सूचना नहीं मिली। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन और एशिया गंभीर रूप से प्रभावित है, क्योंकि ये सब चीन के विरोधी है। कैसे हुआ वुहान अचानक घातक वायरस से मुक्त? चीन ये कहेगा कि उनके प्रारंभिक उपाय बहुत कठोर थे और वुहान को अन्य क्षेत्रों में फैलाने के लिए बंद यानी लॉकडाउन कर दिया गया, परंतु ये जवाब बड़ा मजाकिया है। ऐसा होता तो बाकी देशों में भी ये इतना नहीं फैलता और एक शहर तक सीमित रहता। ये 100% सत्य है कि ये वायरस के एंटीडोट का उपयोग कर रहे हैं। बीजिंग में क्यों कोई नहीं मारा गया, केवल वुहान ही क्यों? दिलचस्प विचार ये है। खैर, वुहान अब व्यापार के लिए खुल गया है। अमेरिकी और बाकी सभी देश आर्थिक रूप से तबाह है। जल्दी अमेरिकी अर्थव्यवस्था चीन की योजना के अनुसार ढह जाएगी। चीन जानता है कि वो अमेरिका को सैन्य रूप से नहीं हरा सकता, इसलिए उसने ये पैंतरा अपनाया है। तो यह है चीन का विश्व विजयी फॉर्मूला, वायरस का उपयोग करें दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षमताओं को पंगु बनाने के लिए। वुहान तो महामारी का सिर्फ एक प्रदर्शन था, अब यह वायरस महामारी को चरम पर ले जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए बस एक साधारण RM1 फेस मास्क पहनकर पहुंचे थे। राष्ट्रपति के रूप में उन्हें सिर से पैर तक ढका होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। वायरस से किसी भी तरह के नुकसान का विरोध करने के लिए उन्हें पहले इंजेक्शन लगाया गया था। इसका मतलब यह है कि वायरस के निकलने से पहले इसका इलाज चल रहा था। अभी भी यदि प्रमाणिक तथ्य आपको बनावटी लगते हैं तो आगे स्वयं देखिएगा। चीन का अगला कदम गिरती हुई आर्थिक अर्थव्यवस्था के कगार का सामना करने वाले देशों से अब स्टॉक खरीद विश्व अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में करना होगा। बाद में चीन ये घोषणा करेगा कि उनके मेडिकल शोधकर्ताओं ने वायरस को नष्ट करने का इलाज ढूंढ लिया है। अपनी सेनाओं के शस्त्रागारों में अन्य देशों के स्टॉक है और ये देश जल्द ही मजबूरी में अपने मालिक के गुलाम होंगे। और हाँ, एक बात और, जिस चीनी डॉक्टर ने इस वायरस का खुलासा किया था वो भी चीनी अधिकारियों द्वारा हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। दोस्तों, आपका क्या विचार है इस बारे में कमेंट जरूर करना, हम आप लोगों के कमेंट जरूर पढ़ते हैं। चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।